नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकेश जांगड़ मेरे इस यूट्यूब चैनल आरजे पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम रीजनिंग का एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, क्लॉक, घड़ी। इसके 3-4 वीडियोस बनेंगे और उसमें पूरा चैप्टर क्लियर करवाया जाएगा घड़ी का, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं इसको। आप दिख रहा होगा कि मैंने लिखा है फर्स्ट फर्स्ट मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है कि ये अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई व्यक्ति खड़ा है, ये कांच लगा हुआ है, ग्लास है, मिरर है, तो इसकी इमेज इस टाइप से बनती है। जैसे ये वाला हाथ खड़ा किया, इधर से इसका ये वाला हाथ दिखता है इसको, ठीक है? ये इसका मिरर इमेज है। और मिरर इमेज के अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वहां से अपने को क्लियर होगा कैसे क्या होगा। अब क्योंकि हमारा टॉपिक घड़ी है तो हम घड़ी के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि ये घड़ी है और ये इसकी रियल इमेज है, वास्तविक इमेज है, ठीक है? वास्तविक इमेज है घड़ी की। और इस घड़ी में कितनी बज रही है? 3 बज रही है। ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है, ठीक है? हॉवर हैंड और मिनट हैंड। अगर हम इसको कांच में देखेंगे तो ये घड़िया जो है इन काट सुइयों का डायरेक्शन बदल जाता है। इसी को अगर अपन मिरर में देखते हैं तो अपन को 9 वस्तुएं दिखाई देती है, ठीक है? तो ये इसका कंसेप्ट रहता है कि भैया वास्तविक चित्र क्या हो और दर्पण प्रतिबिंब क्या है। लेफ्ट वाला हिस्सा हो जाता है राइट हो जाता है, राइट वाला हिस्सा क्या हो जाता है? लेफ्ट हो जाता है। हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। जी, आपके सामने दो क्लॉक है, एक में 3 बज रही है, एक में 9 बज रही है। मतलब ये रियल इमेज है, वास्तविक चित्र है और ये इसका दर्पण प्रतिबिंब है, ये वाला, ठीक है? अगर घड़ी में 3 बज रही है तो आपको दर्पण में या कांच में कितनी दिखेगी? 9 बजती हुई दिखेगी, है ना? ध्यान समझना, 3 और 9 12, इनका प्लस 12 होता है। अगर आपकी घड़ी में 4 बजती हुई दिख रही है आपको, तो आपके दर्पण में आपको दिखेगा ये वाला 8। फिर समझना, 8 और 4 12, ठीक है? अगर आपके घड़ी में कितनी बज रही है? 5 बज रही है, ठीक है? तो आपको कांच में दिखेगा 7, 5 और 7, फिर से 12। अगर आपकी घड़ी में ये टाइम हो रहा है तो आपको दर्पण में दिखेगा ये टाइम। फिर देखो, 6 और 6 12। अगर आपकी घड़ी में ये टाइम हो रहा है तो आपको दर्पण में दिखेगा ये, जस्ट इसकी इमेज बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। फिर देखो, 5 और 7, फिर 12। कंसेप्ट क्या समझ में आया? कि दोनों के टाइम का जो योग है, प्लस है, एडिशन है, वो कितना होगा? 12। ये अपना कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट क्या निकल के आया? कंसेप्ट निकल के ये आया अपने पास, रियल टाइम प्लस इमेज टाइम। इक्वल में 12 12, मतलब वास्तविक समय और उसका दर्पण प्रतिबिंब दोनों का जोड़ करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 12। तो ये अपना छोटा सा कंसेप्ट निकला है। इस कंसेप्ट से अपन बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? तो हम देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन करेंगे। और हाँ, आपको यहाँ पर घड़ी दिख रही है और घड़ी में नंबर्स दिख रहे हैं, घड़ी में कहीं पर भी एएम और पीएम नहीं लिखा हुआ होता है, तो अपन बात करेंगे ना इसके अंदर, तो एएम पीएम की बात नहीं कर पाएंगे अभी फिलहाल, यहाँ से इस कंसेप्ट से अभी यहाँ पर बात नहीं कर पाएंगे। उस क्वेश्चन को अपन थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन ऐसा आता है कि भैया कि घड़ी में अभी इतनी बज रही है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब में कितनी बजेगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो अपन देखते हैं एक बात और। हम अगर लिख रहे हैं ना, ये 12 आ रहा है, तो ये मैंने लिखा 12 घंटे, ठीक है? 12 घंटे को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 11 घंटे और 60 मिनट, ठीक है ना? हम लिख सकते हैं इसको, बाद में क्वेश्चन में काम आएगा तो अपन देखेंगे कैसे लिख सकते हैं। भाई 60 मिनट का 1 घंटा होता है और 11 घंटे, ये 11 और 1 कितना हो गया? 12 घंटे हो गए। अच्छा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तरीका और देखते हैं। 12 घंटे इज इक्वल्स टू 11 घंटे
59 मिनट और 60 सेकंड। क्या समझ में बात? 60 सेकंड मतलब 1 मिनट, 59 मिनट ये है ही, 59 और एक 60, 11 घंटे और 60 मिनट मतलब हो गया 12 घंटे। मतलब आपके क्वेश्चन में अगर घंटे और मिनट दे रखा है तो आप इसको ये वाला काम भी लेंगे, अगर आपके क्वेश्चन में घंटे मिनट और सेकंड तीनों दे रखा है तो आप ये वाला काम भी लेंगे। ठीक है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये मैंने प्रैक्टिस के लिए तीन तीन क्वेश्चन लिखे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी घड़ी में निम्नानुसार समय हो तो उसका दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय बनेगा या दिखेगा अपन को, अपन कह सकते हैं। मतलब घड़ी में 2:40 हो रहे हैं, 9:35 हो रहे हैं, 7:29 हो रहे हैं, तो आपको उसका इमेज कांच में या दर्पण में मिरर में कितना दिखेगा वो अपन को देखना है ना। तो कंसेप्ट आपको याद ही है ना। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, अगर किसी घड़ी में 2:40 तो ये ऐसा टाइम हो रहा होगा, 2:40। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अब देखो आपको समय घंटे में भी दिया और मिनट में भी दिया है, तो आपने जो लिखा था ना 12 घंटे, घंटे को मैं आवर्स लिख रहा हूँ एच, 12 घंटे को आप क्या ले सकते हो, 11 आवर प्लस 60 मिनट लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे कि 11:60 में से 2:40 को घटाएंगे, जो टाइम हो रहा है उसको घटाएंगे, कितना मिलेगा अपने को यहाँ पर, यहाँ पर मिलेगा 20 और इधर कितना मिलेगा 9। मतलब ये कह सकते हो कि अगर किसी घड़ी में 2:40 हो रहे हैं तो कांच में उसका जो टाइम मिलेगा, मिरर में जो इमेज मिलेगा, दर्पण प्रतिबिंब जो मिलेगा वो कितना टाइम बताएगा, 9:20। आप चाहो तो इन दोनों को प्लस कर लो तो आपको 12 टाइम दिख जाएगा, 12 हो जाएगा इनका टोटल। अच्छा एक क्वेश्चन और देखते हैं, 9:35 तो क्या लिखेंगे इसको, 9:35। अब घंटा और मिनट दोनों हैं तो आप क्या लिखने वाले, वही 11:60 मतलब 12 घंटे में से आपको 9:35 को घटा देना है। ठीक है, घटाएंगे तो क्या आएगा अपने पास, 60 में से 35 गया तो कितना बचता है, 25, और 11 में से 9 गया तो 2। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि 9:35 हो रही हो तो घड़ी में उसका जो इमेज बनेगा दर्पण में 2:25 रहेगा। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, 7:29 अगर टाइम हो रहा है तो क्या करेंगे, 11:60 में से 7:29 को घटाएंगे, तो 60 में से 29 गया तो यहाँ हो गया 31, 7 में से 11 में से 7 गया कितना हो जाएगा 4। तो अगर घड़ी में 7:29 हो रहे हैं तो उसका जो दर्पण इमेज बनेगा 7:04:31 हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन था जिसमें घंटा और मिनट दोनों दिया था। अच्छा अगर अपने पास क्वेश्चन आ जाए, घंटा भी दिया हो और मिनट भी दिया हो और सेकंड भी दिया हो, तब क्या करेंगे, इस टाइप क्वेश्चन को अपन देखते हैं अब। तो मैंने ये तीन क्वेश्चन और लिखे हैं, इनमें लिखा है घड़ी में 2:40 और 5 सेकंड हो रहे हो तब उसका मिरर इमेज बताइए, इसमें कह रहा है 3:15 और 45 सेकंड हो तब बताइए, 9:45 और 10 सेकंड हो तब बताइए, मतलब घंटा मिनट और सेकंड ऐसे दिया हुआ है। तो इस टाइम पे अपन क्या करते हैं, अपन को तीनों चीज़ लिखनी पड़ेगी, 11:59:60। अब की बार हम इसमें से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, 2:40 और 5। ठीक है, हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, 60 में से 5 गए तो 55, 9:19। मतलब अगर किसी घड़ी में ये टाइम हो रहा है तो उसका जो इमेज वाला जो टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9:19:55। क्लियर होगी बात। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, घड़ी में इतनी बज रही है तो अपन अपना कंसेप्ट क्या है, 11:59:60, 11:59:60 किसको घटाना है, 3:15:45 को,
क्या आएगा, 60 में से 45 गया तो 15, 9 में से 5 गया तो 4, 5 में से 1 गया तो 4, और 11 में से 3 गया तो बताइए 7, सॉरी 8। तो उस घड़ी में कितना बजेगा, 8:44 और 15 सेकंड। ठीक है, यहाँ देखते हैं अपन, 9, 45 और 10 से तो क्या हो जाएगा, 11, 59। 60 में से अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे 9, 45, 10 को। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 50, 9 में से 5 गया तो 4, 5 में गया तो 1, और यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, अगर किसी घड़ी में इतना टाइम हो रहा है, 9:45 और 10 सेकंड हो रहा है, तो उसका जो मिरर इमेज बनेगा 2:14 और 50 सेकंड का रहेगा। तो ये तो बात हो गई अपने पास, है ना। अब क्या कह रहे हैं, एक कंसेप्ट और देखते हैं इसी के आगे अपन देखते हैं, है ना, कि आपको भी क्वेश्चन कह दें कि भैया एक टाइम हो गया, मान लेते हैं कि घड़ी में टाइम हो रहा है 7:30, तो उसका मिरर इमेज बताइए। ठीक है, मिरर इमेज आपको पता है आप कैसे निकालते हो, वही 12 में से घटा जोड़ 12 आना चाहिए, तो अपने पास इसका मिरर इमेज कितना बनेगा, 4:30। ये कोई दिक्कत है ही नहीं, इसमें अभी निकाला आपने, सीखा भी है। 7:30 का मिरर इमेज बनेगा 4:30, फिर कह रहा है कि वापस एक और मिरर लगा दो, तो वो का वो टाइम वापस आ जाएगा, तो वापस से क्या मिलेगा अपन को, 7:30। मतलब दो कांच लगा रखे, तो आपका जो टाइम पहले था वो का वो टाइम आपको बाद में मिलेगा। एक तो ये बात समझ में आती है, ठीक है। और क्वेश्चन में कई बार क्या कहता है कि रेलवे क्लॉक देता है, रेलवे क्लॉक का मतलब क्या होता है, रेल की घड़ी, और रेल की घड़ी जो किस पे काम करती है, 24 आवर्स पे काम करती है, उसमें 12 घंटे नहीं आते। ठीक है, और उसमें अगर उसका कुछ क्वेश्चन करना हो तो मैं आपको बता दूं कि मान लेते हैं कि बाई चांस किसी घड़ी में, रेलवे क्लॉक में 15:30 हो रहे हैं, ये इसका है रियल टाइम, वास्तविक संख्या। रेल की घड़ी में 15:30 हो रहा हो, तो आप बताइए कि भैया उसका जो मिरर इमेज में कितना टाइम आएगा। मिरर इमेज के लिए अपन क्या करेंगे, क्योंकि रेलवे क्लॉक अपने पास 24 घंटे का होता है, अभी आप एक घंटा और मिनट दोनों दिया है, तब क्या करना है, 24 घंटे को घंटे और मिनट दोनों में लिखना है। तो घंटे और मिनट में लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, 23 तो घंटे कर देंगे और मिनट कितने कर देंगे, 60। 23 घंटे 60 मिनट दोनों को मिला के 24 घंटे हो जाएगा, तो हम क्या करने वाले हैं, इनमें से 15:30 को घटा देंगे, सबटे के अपन ने, तो यहाँ आएगा 30 और यहाँ आ जाएगा अपने पास 8। तो उसका जो मिरर इमेज बनेगा वो कितना बनेगा, 8:30 का रहेगा। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, कि इसमें भी वही कहानी देखते हैं कि भैया अगर किसी घड़ी में, रेलवे की घड़ी की बात करो, 19:25, 45 सेकंड हो तो क्या करेंगे, ये भी तो क्वेश्चन है ना, इसका मिरर इमेज बताइए। तो अपने पास मिनट सेकंड तीनों दिया है, तो अपन क्या करेंगे, 24 घंटे को बदलेंगे, 24 घंटे को अपन कैसे बदलेंगे, 23:59 और 60 सेकंड, इसमें से घटाएंगे इस टाइम को, तो क्या है वो टाइम, 19, 25 और 45 घटाया अपन ने, यहाँ हो जाएगा 15, इधर से हो जाएगा 4 और 3, और इधर कितना हो जाएगा बोलो, 4। तो ये उसका मिरर इमेज बनेगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। हम इसके बाद पानी में इमेज देखते हैं कि इसका जो वाटर का जो इमेज है, वाटर इमेज किस टाइप से बनती है। ये तो अभी अपन ने किसकी बात करी, दर्पण की बात करी, है ना, मिरर इमेज की बात करी जी। अब हम बात करते हैं वाटर इमेज की, पानी प्रतिबिंब, मतलब कोई घड़ी पानी के ऊपर रखो और पानी के अंदर उसका इमेज देखो, तो वो कैसा बनेगा, कितना टाइम उसके अंदर दिखेगा, अपन को उसके बारे में बात करनी है। तो जब भी आपको पानी के प्रतिबिंब के बारे में बात के या वाटर इमेज के बारे में बात के, तो आपको बस एक ट्रिक याद रखनी, एक ही टाइम याद रखना है। क्या ट्रिक रहेगी अपने पास, ट्रिक ये रहेगी कि आप हर बार याद रखेंगे 7:30, ये आपकी ट्रिक है, बस आपको इतना ही याद रखना है कि अगर पानी के इमेज के बारे में पूछे तो आपको 7:30 याद रखना, बस इससे सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अब मैं एक क्वेश्चन लेके आता हूँ कि भाई अगर ये कह दे कि भैया किसी घड़ी के अंदर
2:40 हो रहे हैं, ये घड़ी का टाइम है। तो इसका वाटर इमेज में कितना टाइम बनेगा तो अपन वो देख रहे हैं, है ना। इसका जो पानी का जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें कितना टाइम आपको दिखेगा, पानी में जो घड़ी दिखेगी उसमें कितना टाइम होगा वो अपन को देखना है। तो कुल मिला के मैंने आपको क्या कहा, आपको याद रखना क्या था, 7:30 याद रखना है, आपको इधर लिखना है 2:40 उसके बाद में। अब आपको ये चेक करना है कि इन दोनों को प्लस करना है, कितना हो जाएगा 9, और आपको इन दोनों को प्लस करना है, ये कितना हो जाएगा 70। ये बात ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना है अपन को, इन दोनों को प्लस करना है ये आ गया 9, और इन दोनों को प्लस करना है ये कितना आ गया 70। अब क्या करना है आपको कि ये जो घंटा वाला जो बात करें अपन, है ना, ये है ना, तो इस 9 को आपको इसके पास वाले घंटे के पास लेके जाना है। मतलब ये 12 हो सकता है, 24 हो सकता है, 36 हो सकता है, 48 हो सकता है, मतलब 12 के गुणज में कोई नंबर हो सकता है। अगर यहाँ पर 9 आया है तो 9 के जस्ट पास में कौन सा जाएगा, 12 आ जाएगा। अगर इन दोनों का सम 13 होता तो 13 के बाद में 24 तक जाना पड़ता अपन को, ठीक है ना। सेम कहानी यहाँ पर मिनट के लिए भी रहेगी। तो इस 70 को जो अपन है ना मिनट में है, तो अपन इसको कहाँ तक ले जा सकते हैं, 60 लिख सकते थे, 120 लिख सकते हैं, 180 लिख सकते हैं ना। तो अपन 60 60 के मल्टीपल में ले जाएंगे, मतलब 70 के बाद कौन सा मिनट वाला आएगा उसको आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 के बाद कौन सा आएगा, 12 ही आएगा, है ना। तो 12 तक पहुँचने में कितने घंटे बच रहे हो आप वो देखो, 9 से 12 तक पहुँचने के लिए कितने घंटे बचेंगे, 3 घंटे। तो आपको यहाँ लिखना है 3, इतनी सी बात है। 70 है, 70 के आगे जाना, तो मतलब अपन 60 तो लिखेंगे नहीं, हम 120 के ऊपर देखेंगे, ठीक है। 70 से 120 तक जाना है तो कितने मिनट बच गए अपने पास, 50 मिनट बच गए। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, 50 मिनट। ये बात समझ में है आपको, इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं, है ना, उससे और क्लियर हो जाएगा। मतलब 2:40 हो रहा है तो उसका जो पानी में इमेज बनेगा उसमें टाइम कितना बताएगा, 3:50 बताएगा, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन बोल लेता हूँ कि अगर किसी घड़ी में 6:30 हो रहा, ठीक है, 6:30 हो रहा, तो पानी में इसका इमेज बनेगा उसमें कितना टाइम बताएगा, तो देखते हैं अपन। आपको क्या याद रखना है, ट्रिक याद रखनी है, 7:30 याद रखना है, और यहाँ 6:30 आपने लिख दिया। क्या करते हो आप, इन दोनों को जोड़ते हो और इन दोनों को जोड़ते हो, ठीक है। तो हमने इन दोनों को जोड़ा कितना हो गया, 13, इन दोनों को जोड़ा कितना हो गया, 60। तो 13 के जस्ट बाद कौन सा घंटा आएगा, देखो 12 है, ठीक है, 12 से आगे चला गया, 24 तक आ गया। तो अब आपको 13 से 24 तक जाना है, 13 से 24 तक जाना है, कितने घंटे बचेंगे, 11 घंटे। अब 30 30 से 60, आपको 60 से शुरुआत करना था, 60 पे है ही, 60 से 60 पर जाने में कितना टाइम लगता है, 0 मिनट। तो आपको यहाँ पर 11:00 टाइम आपको दिखेगा, ये बात समझ में, 11:00 आपको दिखेगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन ट्राई करें, एक और ट्राई करते हैं, चलो अब थोड़ा सा जल्दी से करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। तो मैंने अगर लिखा कि किसी घड़ी में 5:55 हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, 5:55 हो रहा है, तो उसका जो पानी में जो इमेज बनेगा उसमें टाइम कितना होगा। तो आपकी जो ट्रिक है वो क्या है, 7:30 आपने आगे लिखा 5:55, इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है, कितना हो जाएगा, 12। इन दोनों को जोड़ना है, कितना हो जाएगा, 85। अब 12 से 12 तक ही जाएंगे लास्ट, तो अगर 12 से ज़्यादा थोड़ी आता तो अपन 24 पे जाते हैं, अगर 24 से ज़्यादा तो अपन 36 पे जाते हैं, ठीक है ना। 12 से 12 में जाने में कितने घंटे लगेंगे, 0 घंटे। यहाँ पर 85 है, अब 60 और 120 और आगे जा रहा है, 60 से आगे जाएगा 120, तो 85 से 120 तक जाने में कितने मिनट रह जाएंगे, हमको मिलेगा 35 मिनट। कुल मिला के 120 में से 85 को घटा दीजिए, आपको ये आ जाएगा, मतलब आपके पास उस टाइम घड़ी में 0:35 हो जाएंगे। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस थे वाटर इमेज के। अच्छा, इन क्वेश्चन को आप उससे भी कर सकते हो कि यहाँ पर मिनट सेकंड भी दे दिया जाए, मिनट सेकंड दे दिया जाए, तब क्या करोगे, 7:30 जो आपको दिया है ना उसको आप कैसे लिखोगे,
7:29:60 लिखेंगे। क्लियर हो गई बात। और उसके बाद में अपन इसको आगे बढ़ाते जाएं। क्लियर है। तो ये तो कुछ कंसेप्ट थे सिर्फ इमेज के बारे में। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका टाइम को कोण के साथ देखेंगे, कितना एंगल बनाता है उसको अपन देखेंगे। ओके, थैंक यू।